गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 11.2 पॉइंट टू ऑफ चाप्टर इलेवन मैं तो इस प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन सिक्स तक डिस्कस कर लिए थे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द रिमेनिंग क्वेश्चन तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेवन से द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ थ्री टाइल्स विच आर रोम्बस शेप्ड एंड ईच ऑफ इट्स डाइग्नल्स आर फोर्टी फाइव सेंटीमीटर एंड थर्टी सेंटीमीटर इन लेंथ सो फाइन द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ़ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज रुपीज फोर क्या वन सेवन्थ में कि एक बिल्डिंग के फ्लोर में कितनी टाइल्स हैं थ्री थाउजेंड टाइल्स हैं है ना विच आर रॉम्बस इन शेप जो कि रॉम्बस इन शेप में है और उनकी डायगनल्स कितनी है फोर्टी फाइव सेंटीमीटर एंड थर्टीमीटर सो हमें क्या फाइन करना है हमें फ़ाइन करना है कि टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर उस फ्लोर को पॉलिश करने के लिए टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी अगर कॉस्ट दे रखिए पर मीटर ट्वेंटी फोर सो स्टार्ट करते हैं लेंथ गिवन है हमें वन डायगनल की डी डी वन दैट इज फोर्टी फाइव सेंटीमीटर और डी टू हमें कितनी गिवन है थर्टी सेंटीमीटर सो हम एरिया फाइंड कर सकते हैं वन टाइल का सो एरिया ऑफ वन टाइल क्या होगा जो वन टाइल है वो किस शेप में है रोमबस शेप में सो एरिया ऑफ रोमबस कितना होता है हाफ इन टू डी और डी और डी क्या है डायगनल्स सो हाफ इन टू कितनी गिवेन है हमें फोर्टी फाइव और डी टू हमें कितनी गिवन है थर्टी सेंटीमीटर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आया हमारे पास सिक्स सेवेंटी फ़ाइव सो एरिया ऑफ वन टाइल आ गया हमारे पास दैट इज़ सिक्स सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर नाउ ये तो था हमारे पास एरिया ऑफ वन टाइल टोटल नंबर ऑफ़ टाइल्स कितनी है थ्री थाउजेंड सो एरिया निकालेंगे थ्री थाउजेंड टाइल्स का सो so जो जो हमने एरिया निकाला है वन टाइल का जो सिक्स सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर निकला है उसको अगर हम थ्री थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एरिया निकल जाएगा थ्री थाउजेंड टाइल्स का, so, 675 को हमने मल्टीप्लाई करा थ्री तो कितना आया? सेंटीमीटर स्क्वायर नाउ इस सेंटीमीटर स्क्वायर को हम कन्वर्ट कर देंगे किस में मीटर स्क्वायर में सो वन मीटर स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है टेन थाउजेंड सेंटीमीटर स्क्वायर के सो वन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू टेन थाउजेंड सेंटीमीटर स्क्वायर सो वन सेंटीमीटर स्क्वायर किसके इक्वल हो गया वन डिवाइडेड टेन थाउजेंड मीटर स्क्वायर के इक्वल हो गया ठीक है सो हमें सेंटीमीटर को सेंटीमीटर स्क्वायर को करना है किसमें मीटर स्क्वायर में सो डिवाइड so, करना पड़ेगा तो ट्वेंटी लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड को हम डिवाइड कर देंगे किससे से टेन थाउजेंड से जब हमने डिवाइड करा तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई टू हंड्रेड एंड टू पॉइंट फाइव ज़ीरो मीटर स्क्वायर नाव कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर पर स्क्वायर मीटर हमें कॉस्ट ये रखी है पॉलिशिंग करने की फ्लोर की जो पर स्क्वायर मीटर कितनी है फो है ठीक है नाव यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर पर टू ज़ीरो टू पॉइंट फाइव जीरो स्क्वायर मीटर हमने एरिया निकाल लिया था फ्लोर का जिसमें थ्री थाउजेंड टाइल्स थी और उसका कितना निकला था टू हंड्रेड एंड टू पॉइंट फाइव जीरो स्क्वायर मीटर सो इसको पॉलिशिंग करने की टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी कैसे पता चलेगा जो कॉस्ट है हमारी पर स्क्वायर मीटर की उससे इंटू कर देंगे सो फोर इंटू टू हंड्रेड एंड टू पॉइंट फाइव जीरो टेन एट टेन सो हेंस द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इज एट हंड्रेड एंड टेन कितने रुपीज लगेंगे एट हंड्रेड एंड टेन रुपीज लगेंगे टोटल कॉस्ट पॉलिशिंग द फ्लोर नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर एट मोहन वॉन्ट्स टू बाय अ ट्रिपेजियम शेप्ड फील्ड Its sites along the river is parallel to and twice the sides along the road. If the area of this field is 10,500 meters square and the perpendicular distance between the two parallel sites is 100 meter, find the length of the site along the river. Is question 8: Mohan wants to buy a trapezium-shaped field? Mohan buy a trapezium-shaped field. Okay? इफ साइड अलोंग द रिवर इज पैरल जिसकी साइड्स अलोंग द रिवर क्या है पैरलर है और ट्वाइज है उस साइड के जो अलोंग द रोड है इफ़ द एरिया ऑफ द फील्ड हमें गिवन है कितना टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड मीटर स्क्वायर और पेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है टू पैरल साइड्स के जो कि कितनी है हंड्रेड मीटर सो वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स अलोंग द रिवर हमें क्या फाइन करना है लेंथ फाइन करनी है उस साइड की जो अलोंग द रिवर है नाउ हमें पेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है एच डैट इज हंड्रेड मीटर गिवन है सो पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास हो गई एच हंड्रेड मीटर जो कि हमें गिवन है एरिया ऑफ ट्रिपेजियम शेप फील्ड भी हमें गिवन था दैट इज टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड मीटर स्क्वायर गिवन था सो so, हमने लेट करा कि लेट साइड अलोंग द रोड जो साइड हमने माना अलॉन्ग द रोड उसको हमने माना एक्स मीटर एंड साइड अलॉन्ग द रिवर वो कितनी हुई टू एक्स क्योंकि वो कितनी थी टू वाइस थी सो एरिया ऑफ ट्रिपेजियम फील्ड कितना होता है हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच और ए प्लस बी क्या है पैरल साइड्स नाउ एरिया ऑफ ट्रिपीजियम कितना केवे हमें टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इक्वल्स टू हाफ इंटू ए कितनी है पैरल साइड एक्स और दूसरी पैरल साइड कितनी है टू एक्स इंटू हाइट कितनी है हंड्रेड सॉल्व करेंगे तो टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इक्वल्स टू थ्री एक्स एक्स प्लस टू एक्स कितना हो गया थ्री एक्स इंटू टू से हंड्रेड गया टाइम्स थ्री इंटू फिफ्टी सो so, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई सेवेंटी विच मीन साइड अलॉन्ग द रिवर इज सेवेंटी मीटर जो साइड द रिवर कितनी हो गई हमारे पास सेवेंटी मीटर ये तो जो साइड निकली है वो पे निकली है अलोंग द रिवर नाउ द साइड अलोंग द रिवर टू एक्स जो वैसे कितनी गिवन है वो किसकी कि, कितनी है टू आइज है तो सेवेंटी को टू से इंटू करेंगे तो कितना आ गया वन फोर्टी मीटर सो द साइड अलोंग द रिवर इज वन फोर्टी मीटर क्वेश्चन नंबर नाइन्थ टॉप सरफेस ऑफ अ रेस्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागन एज शोन इन द फिगर सो फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागोनल सरफेस क्या कहना है टॉप सरफेस जो प्लेटफॉर्म की है वो किस शेप में है रेगुलर ऑक्टागन के और ऑक्टागन क्या होता है जिसकी एट साइड्स होती है उस फिगर को हम क्या बोलते हैं ऑक्टागन सो हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस नाउ ऑक्टागन हैविंग एट इक्वल साइड्स ऑक्टागन में क्या होती है एट इक्वल साइड्स होती हैं हमें एक साइड गिवन है फाइव मीटर तो एट साइड्स कितनी हो गई हर एक साइड कितनी हो गई फाइव मीटर की हो गई नाउ डिवाइड द ऑक्टागन हम डिवाइड करेंगे ऑक्टागन को सो टू ट्रिपेजियम हु पैरल एंड परपेंडिकुलर साइड्स एलेवन मीटर एंड फोर मीटर रिस्पेक्टिवली एंड थर्ड वन इज रेक्टेंगल इसमें दो ट्रिपेजियम बनेंगे जिसमें पैरल साइड्स एंड पर्पेंडिकुलर साइड्स हमें गिवन है इलेवन मीटर एंड फोर मीटर एंड थर्ड वन जो हमारा फॉर्म होगा वो क्या है एक रैक्टेंगल फॉर्म हो रहा है जिसकी लेंथ एंड ब्रेथ हमें गिवन है लेंथ कितनी है इलेवन मीटर और ब्रेथ कितनी गिवन है हमें फाइव मीटर सो सॉल्व करते हैं ना एरिया ऑफ ट्रिपेजियम फाइंड करेंगे सबसे पहले सो एरिया ऑफ ट्रिपेजियम कितना होता है हाफ इंटू सम ऑफ इट्स पैरल साइड इंटू पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैम पर जब हम ऑक्टागन को डिवाइड कर रहे हैं तो इसमें कितने ट्रिपेजियम फॉर्म हो रहे हैं टू ट्रिपेजियम फॉर्म्ड हो रहे हैं सो दैट मीन्स टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टू इंटू हाफ इंटू सम ऑफ इट्स पैरल साइड इंटू पडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैन सो टू इंटू हाफ इं टू ए कितने गिवन है डाइगनल हमें पैरल साइड इलेवन प्लस दूसरी पैरल साइड हमें कितने गिवन है फाइव इंटू हाइट कितने गिवन है फोर सो so, सॉल्व करेंगे तो so, सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू क्या आई सिक्सटी फोर सो एरिया ऑफ टू ट्रिपेजियम कितना आ गया हमारे पास सिक्सटी फोर मीटर स्क्वायर सो ये तो आ गया हमारे पास एरिया दोनों ट्रिपेजियम का हमारे पास जो थर्ड में जो बन रहा है जो मिड में जो बन रहा है वो क्या है रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल में हमें लेंथ किवेन है और ब्रेथ केवेन है सो हम एरिया फाइंड कर सकते हैं सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इन टू ब्रेथ इलेवन को इन करा फाइव से तो कितना आ गया फिफ्टी फाइव सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास कितना आ गया फिफ्टी फाइव मीटर स्क्वायर देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ ऑक्टागन कितना हो गया देखो सिक्सटी फोर क्या था हमारे पास एरिया ऑफ़ ट्रिपेजियम निकला पूरे ऑक्टागन का हमें एरिया फाइंड करना था सो so, देखो दोनों ट्रिपेजियम का एरिया प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल से क्या निकल जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ ऑक्टागन सो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रिपेजियम निकला था सिक्सटी फोर प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकला हमारे पास फिफ्टी फाइव दोनों को ऐड करा तो कितना आया